ढाई किलो का है, इतनी क्या नौटंकी मार रहा है? अबे तुझे तो मैं बताता हूँ, जब तक आप अनबॉक्सिंग देखो इसको मैं देख के आता हूँ। वेल, यहाँ से आगे कमान हम संभालते हैं। सिनेमैटिक शॉट्स में थोड़ा बहुत दिखाना था, कुछ नया आया था कुछ, इसलिए ये कुछ इस तरह से खुलेगा। एंड इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एक्चुअल में मैं एक सिनेमैटिक शॉट के जरिए दबाना नहीं चाहता था, थोड़ा पता चलना चाहिए कि हाँ यार नया लैपटॉप आया है। सो ये है लैपटॉप, यहाँ पर हमारा ये लैपटॉप, चलो इसको साइड में रखते हैं एंड देखते हैं और क्या क्या आया है। वेल, अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ, मज़ा आ गया। एंड यहाँ नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे क्या निकलेगा, नीचे केबल, चार्जिंग एडाप्टर, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही स्लिम सा लगा मुझे, बढ़िया है ये वाला। एक्चुअली में सच कहूँ तो मैं लिनोवो का लैपटॉप इसलिए नहीं पसंद करता था बिकॉज ये पिन मुझे पसंद नहीं थी, बट ये आ गई है तो जो भी है ठीक है। एंड ये कुछ इसकी जन्म पत्रियाँ हमारी लीजन की, हमारा है 15 इंच लीजन, तो इसकी कुछ जन्म पत्रियाँ जिसकी हमें ज़रूरत तो शायद पड़ेगी नहीं, हम ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। और डब्बे में कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग कहेंगे कि माउस वगैरह मिलता है, बट मैंने वो नहीं लिया था। एंड आपको प्राइस जो स्क्रीन में दिख रहा होगा एक्चुअल में सेल पे चल रहा था, अप्रॉक्सीमेट 35,000 रुपीज़ का ऑफ मेरे को मिल गया है। एंड लैपटॉप के अंदर अगर हम देखें तो एक बड़ी ही सही प्रोटेक्शन सी ये दे रखी है। सो यस, ये है हमारा लैपटॉप। तो यार ये तो था हमारा लिनोवो लीजन का अनबॉक्सिंग, अब बाकी हम बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के बारे में इस इंट्रो के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक, मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। ये अमेजिंग सी सिनेमैटिक शॉट की जो मैंने ट्राई किया था, मैंने पहले कभी सिनेमैटिक शॉट ट्राई नहीं किया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं आया तो कमेंट करना कि क्या बकवास लगा उसमें, क्योंकि पहली बार किया था कुछ तो। हाँ, नया लैपटॉप की आने की खुशी थी, थोड़ी सी खुशी सिनेमैटिक शॉट के थ्रू जाहिर करने की कोशिश की। एंड खतरनाक 20 लैपटॉप जो मंगवाया था मैंने, यूट्यूब की पेमेंट जो आना शुरू हो गई है तो मैंने कहा क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट किया जाए। पहले मैं एक HP का पुराना पतला सा लैपटॉप यूज़ करता था जो कि एक ऑफिशियल लैपटॉप था, जिसमें मुझे वीडियो को एडिट करने में ही 6 to 7 hours लग जाते थे, इसीलिए शायद मैं रोज़ वीडियोज डाल ही नहीं पाता था पहले, तो हर 2 या 3 दिन बाद ही वीडियो में डाल पाता था। सो यस, काफ़ी मेहनत क्या, टाइम ही लगता था, मेहनत यार, वेट ही करना पड़ता था उसमें, प्रोसेसिंग देखते जा रहे हैं हम ऐसे, होगा। सो यस, वीडियो को एक्सपोर्ट करने में उसमें 3-4 घंटे लगते थे मुझे, तो इसी रीज़न से ये इन्वेस्टमेंट किया है। तो चलिए इस लैपटॉप के बारे में पहले तो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इस लैपटॉप में है, सारे डिज़ाइन, सारी स्पेसिफिकेशन, किस तरह का ये वर्क करता है, क्या इसका परफॉर्मेंस है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड बताएंगे कि क्या मैं एक्चुअली सेटिस्फाइड हूँ इस लैपटॉप को लेकर या नहीं। तो बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम इस लैपटॉप के डिज़ाइन की। डिज़ाइन इज रियली वेरी ऑसम, काफ़ी कूल सा डिज़ाइन लगा मुझे। इन्होंने ब्रांडिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, इनको भी पता है कि लिनोवो जो नाम है इनका वो तो बेसिक कंपनी नाम है ही है, बट जो लीजन नाम है उस नाम में दम है, और उस नाम का जो दम है और उसका जो लोगो है वो इन्होंने जगह जगह बिखेर रखा है। तो यार हिंज के पास अगर आप देखेंगे तो नीचे लिनोवो जो वो लिखा हुआ है, ठीक है, एंड वहीं लैपटॉप के अदर कॉर्नर में लीजन काफ़ी बड़ा सा लिखा हुआ है। लिनोवो छोटा सा है एंड लीजन काफ़ी बड़ा सा है। एंड अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर भी स्क्रीन के नीचे काफ़ी बड़ा सा जो लीजन है वो लिखा हुआ है, एंड लिनोवो एट द एंड में अगेन कॉर्नर में लिखा हुआ है। बट लिनोवो की मैं बात करूँ, जो इन्होंने लिनोवो की ब्रांडिंग की है वो मेटेलिक ब्रांडिंग कर रखी है, वो कभी नहीं मिटेगा। लीजन तो फिर भी मिट जाएगा आगे पीछे से, बट लिनोवो नहीं मिटेगा। स्क्रीन के नीचे से अगर आप लीजन कहोगे तो वो मिट जाएगा। एंड लोगो की बात करूँ, जो लीजन का लोगो है वो लीजन में जो ओ है उस पर लोगो लगा रखा है। हिंजिस के अगर आप साइड्स में देखेंगे तो वहाँ पर भी इन्होंने लोगो लगा रखा है। तो यस, काफ़ी डिटेलिंग में इन्होंने अपने ब्रांड को या लीजन को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट तो नहीं, खैर लीजन की जो ब्रांडिंग है, लोगो की प्लेसमेंट है, वो हर जगह कर रखी है काफ़ी बढ़िया तरीके से, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा। मतलब मैं लैपटॉप पे यूं ही लूजली अब्सॉर्ब कर रहा था, एंड ऐसी हिंजिस पे भी इन्होंने छोटे छोटे लोगो लगा रखे हैं। एंड अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ ऑल ओवर, सो की डिज़ाइन काफ़ी सही लगा मुझे। एंड मुझे इसमें जो एक चीज़ अच्छी लगी वो है ये अपडाउन वाली जो कीज़ है। अगर मैं अपने दूसरे लिनोवो लैपटॉप की बात करूँ सो वो काफ़ी ऊपर ही सटा दिया गया है, तो मुझे काफ़ी कई बार जो है दिक्कत आती थी ऊपर नीचे करने में। सो इस बटन्स को उन्होंने पुश करके थोड़ा सा नीचे कर दिया है, जिस रीज़न से मुझे बटन्स को यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट सा हो गया है कि हाँ मुझे पता है कि ये इस लाइन से नीचे है। सो
ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा इन्होंने थोड़ा सा अलग किया है गेमिंग लैपटॉप के लिए। एंड की प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो मैं जनरली लैपटॉप्स ही यूज़ किए हैं आज तक, मैंने डेस्कटॉप या पीसी काफ़ी कम यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा कम। इवन कि मैंने जो कीबोर्ड है वो भी चिकलेट कीबोर्ड जो है रखा था डेल का, जो कि एग्जैक्टली लैपटॉप की इतना ही वर्क करता है जिसका की प्लेसमेंट। सो यस, मेरे लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट रहा इसका जो कीज प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ है। इसमें मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा कीज़ का, वो है बैकलिट फीचर। बैकलिट जो लाइटिंग काफ़ी सही से काम करती है। इवन आपने अगर मेरा पोस्ट देखा होगा यूट्यूब पे, मैं ये डेस्क लैम्प पे ही काम करता हूँ ज़्यादातर इसमें, एंड इन केस कभी लाइट चली जाए तो ये बैकलिट की काफ़ी ज़्यादा काम जो आती हैं। एंड इसमें कीज़ की प्रोटेक्शन के लिए भी मैंने एक चीज़ मंगवा रखी है इसके लिए, एंड उसकी भी मैं वीडियो ले आऊँगा। बाकी आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो का भी जब मैं वीडियो डाल दूँगा, एंड उस प्रोडक्ट का भी या उस कीबोर्ड का भी जो इस पर लगेगा। एंड वो प्रोटेक्शन काफ़ी सही है, एंड प्रोटेक्शन में भी उसमें दो आते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक में अगर आप करोगे तो बैकलाइट कीज़ जो नहीं चलेगी उसमें, सो वाइट वाला जो है वो चलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वो आएगा तो हम उसकी बात आगे करेंगे। एंड इसमें जो पावर बटन है वो काफ़ी सही लगा मुझे। जनरली लैपटॉप्स में मैंने जो आज तक जितने भी लैपटॉप यूज़ किए हैं लेफ्ट या राइट में होता है, बट इसमें सेंटर में जो पावर बटन जो दे रखा है, एंड इसमें पावर बटन का काम सिर्फ ये नहीं है कि ऑन या ऑफ करना, इसमें आप लाइटिंग देख सकते हैं, ये परफॉर्मेंस मोड या जो भी इसके मोड्स हैं, तीन मोड्स हैं इसमें, साइलेंट मोड, ऑटोमेटिक मोड एंड है इसमें परफॉर्मेंस मोड। अब इस तीनों में सेपरेट लाइट जो है वो जलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो परफॉर्मेंस मोड है इसमें ये रेड लाइट जलती है, एंड जिसमें सेकेंडली ऑटो मोड है जिसमें ये खुद ही डिसाइड करता है कि किस मोड पे क्या ज़रूरत है, सो उस पर वाइट लाइट जलती है। एंड साइलेंट मोड जिसमें फैन वगैरह जो नहीं चलते हैं तो यस, उसमें ये ब्लू कलर का हो जाता है। एंड एक चीज़ आपको काफ़ी कम यूट्यूबर्स बताएंगे, एंड मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने भी पर्सनली देखी पहले कि कौन सा लैपटॉप ये सही भी है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया कि एंड परफॉर्मेंस मोड जब तक चार्जिंग पे ना लगाओ तब तक वो वर्क नहीं करता, जैसे ही आप चार्जिंग पे लगाओगे तभी ही परफॉर्मेंस मोड जो वर्क करेगा। एंड स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीन जो काफ़ी थिन सी है, मतलब काफ़ी अच्छी है। बेजल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये साइड में से एंड ऊपर के काफ़ी मिनिमलिस्टिक से बेजल है, नीचे का बेजल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एंड शायद सारा का सारा मैकेनिज्म वो वहीं कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है कि ऊपर जो है कम बेजल्स हैं। एंड ऊपर एक कैमरा भी जो है प्लेस किया गया है, हालांकि ये 720p का रेजोल्यूशन कहते हैं, बट आपको ये शॉट दिखा देता हूँ कि किस तरह का इसमें शॉट जो आता है। मैं हाई लाइटिंग के साथ उसको मैं डालूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाई लाइटिंग में भी वो हद से हद कितना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। बट लैपटॉप जो क्लेम करते हैं ना कि हाँ ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल वो VGA टाइप से ही कैमरे वाले शॉट लगते हैं चाहे कितना भी रेजोल्यूशन बढ़ा लें। एंड अगर मैं इसके हिंजेस की बात करूँ तो पर्सनली ये मुझे हिंजेस वाला ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने आज तक कभी ऐसा कॉन्सेप्ट वाला लैपटॉप यूज़ ही नहीं किया था, नॉर्मली एट द एंड में ही हिंजेस होते थे लैपटॉप के। बट यस, इसमें ये जो थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर आगे करके जो हिंजेस दे रखे हैं ये काफ़ी सही लगा मुझे ये चीज़। एंड मैंने देखा कि नीचे फैंस की वजह से ये सब है, बट वो बात हम आगे करते हैं। अब इसमें ये जो स्क्रीन को जब आपको लिड उठाना हो तो आप सिंगल फिंगर से उठा सकते हो, जो कि पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। पहले जो मेरे लैपटॉप से उसको जनरली मुझे ऐसे बुक की तरह खोलना पड़ता था, बट यस इसमें काफ़ी कन्वीनियंटली सिंगल हैंडेडली ऑपरेट हो जाता है खोलने के लिए। एंड जो ये नीचे वाला जो इसकी मशीन है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जिस रीज़न से वो उठ जाता है ईजिली। एंड इसके कैम में एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो प्राइवेसी मोड काफ़ी सही दे रखा है, कैमरा के लिए शटर डाल रखा है इन्होंने इसमें, एंड जैसे आप इसे लेफ्ट कर दोगे ऐसे आपको रेड का छोटा सा दिखेगा, तो इसका मतलब शटर जो है वो बंद है, एंड राइट करते ही शटर खुल जाएगा आपको। तो यस, ये प्राइवेसी के लिए काफ़ी सही स्टेप उठाया है। अब इसमें फिंगरप्रिंट जो है वो नहीं है, यस फिंगरप्रिंट नहीं है, एंड आई डोंट थिंक की जरूरत है। मैं तो पासवर्ड भी नहीं लगाता हूँ लैपटॉप्स में, क्योंकि मेरा कुछ खास ऐसे प्राइवेसी वाला काम होता नहीं है लैपटॉप में, तो यस मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। बाकी मैं लैपटॉप की बात करूँ पोर्ट्स की, तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा इसमें लुक दे रखा है। इसमें CD ड्राइवर नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे CD कोई भी यूज़ नहीं करता है, ठीक है। एंड फ्रंट की तरफ अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट की तरफ कुछ भी नहीं है इस लैपटॉप में। एंड यस, मैं राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो राइट साइड में आपको एक छोटा सा पावर इंडिकेटर मिल जाएगा, एक माइक मिलेगा आपको, एंड आपको एक USB 2.0 वाला पोर्ट मिलेगा, एंड बगल में ही आपको आउटलेट वेंट दिया गया है। एंड वहीं मैं लेफ्ट साइड की मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड में आपको एक माइक या फिर ईयरफोन या बोथ कॉम्बिनेशन वाला जो है वो चीज़ आपको मिलेगी, एंड आपको 3.0 वाला यहां पर जो पोर्ट मिलेगा, एंड ये ऑलवेज ऑन पोर्ट है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो बट स्टिल ऑन ऑलवेज ऑन रहेगा। मतलब अगर आपका लैपटॉप बंद भी होगा डेटा केबल लगा के आप अपना फ़ोन या कुछ भी ऐसी चीज़ें चार्ज कर सकते हो। एंड बगल में अगेन वेंट है, एंड वेंट्स की मैं बात करूँ इसमें 4 आउटलेट वेंट्स हैं, 2 मैं आगे दिखाता हूँ, ठीक है। एंड मैं वहीं पीछे की तरफ अगर मैं देखूँ तो सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं वो पीछे की तरफ ही कर दिए गए हैं, जो कि साइड से लुक जो काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा बनाते हैं, मतलब लगता है कि हाँ क्लीन सा एक कि क्लीन सा है कुछ, जैसे एप्पल है ना उसे 2 USB टाइप सी देता है, वैसे ही कुछ, मतलब इन्होंने वो टाइप सी तो नहीं दिया है
बट कम पोर्ट्स दे के कर दिया एंड काफ़ी कन्वीनियंटली मेरे को एक चीज़ जो अच्छी लगी, ईयरफोन एंड जो पेन ड्राइव है दो साइड में, ये जो चीज़ें हम जनरली लगाते हैं तो ये दो चीज़ें उन्होंने साइड में दी हुई हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी एक्स्ट्रा पोर्ट्स जो हैं जो साथ में नहीं भी होते साइड में पीछे भी हो तो वो भी चलेगा एंड काफ़ी क्लीन सा लुक आता है अगर आप टेबल पे रख देते हो जैसे मैं रखता हूँ। सो सब कुछ यस पीछे है, इवन मेरा यूएसबी हब वगैरह सब कुछ पीछे ही लगा के रखता हूँ मैं। पीछे की तरफ अगर मैं वहीं बताऊँ, दो वेंट्स अगेन लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, एंड लेफ्ट साइड से अगर देखें तो एक इथरनेट केबल है RJ45 टाइप सी केबल है ये। अब ये स्क्रीन पोर्ट के लिए भी है एंड डेटा ट्रांसफ़र भी इससे हो जाता है। एंड इसमें यूएसबी के हमारे पास दो पोर्ट हैं, ये 2.0 के ही पोर्ट है, जो उसमें 3.0 का पोर्ट है हमारा वो सिर्फ लेफ्ट साइड में एक ही पोर्ट है। एंड उसके बगल में ही HDMI का पोर्ट है एंड उसके बगल में इसका चार्जिंग जो चार्जर है इसका वो है एंड उसके बगल में जो इसका लॉक है जो ऑफिसेज में यूज़ होता है उस चीज़ के लिए है ये। एंड एक चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी वो है लिनोवो का ये जो चार्जिंग वाला डॉक है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता, मेरे को राउंड वाले पसंद आते हैं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बट हाँ, कोई भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं चार्जर की अगर मैंने बात शुरू कर ही दी है तो चार्जर इसका 170 वॉट का चार्जर है एंड 30 मिनट्स के अंदर इसको 50% जो है चार्ज कर देता है, जो कि काफ़ी सही है। एंड जनरली कहूँ तो कभी कभी लाइट चली जाती है 100% इसका अगर बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, जैसे ही लाइट कुछ देर के लिए कभी आती है मान लो आधे पौने घंटे बाद, क्योंकि पंजाब है लाइट बहुत जल्दी चली जाती है यहाँ पर। इवन कि इस वीडियो में भी लाइट मेरी दो बार जा चुकी है और आप लोगों को पता नहीं चला है, बट स्टिल कोई बात नहीं। हाँ, तो 30 मिनट्स के अंदर 50% चार्ज कर देता है। उसके लिए भी आपको इसमें टर्बो चार्जिंग जो अंदर ऑन करना पड़ता है लिनोवो विंटेज में जाके, उस लिनोवो विंटेज के बारे में भी आगे बताएंगे आपको। एंड जब मेरे पास ये लिनोवो लैपटॉप आया तो इसमें लिनोवो विंटेज का सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू मुझे पता चला कि मेरी सिर्फ 9 मंथ की वारंटी रह गई है एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं क्या करूँ। तो यस, मैंने लिनोवो के कस्टमर केयर में कॉल किया एंड दे टोल्ड मी जस्ट टू सेंड मी इनवॉइस एंड उन्होंने अपडेट कर दिया। सो यस, अगर आपके में भी ये प्रॉब्लम आती है कुछ करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर केयर कॉल कर लो, वो आपको एक ईमेल आईडी देंगे, उससे आप वो मेल इनवॉइस करके इनका सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। एंड मैं नीचे की तरफ में बात करूँ तो नीचे की तरफ अगर आप देखें तो इसके चार जो पैर दिए गए हैं एंड नीचे की तरफ अगेन लीजन की इसमें ब्रांडिंग जो दी गई हुई है। एंड आप यहाँ देखेंगे ये साइड में जो दो पंखे दे रखे हैं जहाँ पर आपको मिट्टी का गोल गोल दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, वो मिट्टी की वजह से है। ये भी चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी कि ऐसे मिट्टी भी अच्छी खासी अब्जॉर्ब कर लेता है। इसका भी सोल्यूशन मैं लेकर आऊँगा कि क्या करना चाहिए, बट स्टिल आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा वेंट जो है ना काफ़ी ऐसे, तो शुरू में तो मुझे लगा कि क्या बात है इतना बड़ा इनलेट वेंट, बट सिर्फ दो छोटे से पंखे हैं साइड में जो इनलेट लेते हैं। एंड यस, आउटलेट के लिए काफ़ी सही, मतलब चार चार एग्जॉस्ट दे रखें, जल्दी से कूल डाउन हो जाता है लैपटॉप मेरा। तो ऐसे अभी तक मैंने गेम्स खेली हैं इसमें तो काफ़ी सही रहा। एंड गेम्स की बात अगर मैंने कर ली है तो यस, गेम्स परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है इसमें। मैं इसमें हॉट परस्यूट खेल रहा हूँ, मैं जानता हूँ 2012 की गेम है बट उसको मैं हाई रेजोल्यूशन में खेल रहा था एंड मेरी फेवरेट गेम है वो, काफ़ी रियलिस्टिक से उसमें लगते हैं कि लगता है एक्चुअली गाड़ी चल रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चल रहा है शॉट, काफ़ी फ्लुएंटली चल रहा था, काफ़ी मज़ेदार गेम है। तो यस, GPU भी काफ़ी सही से वर्क कर रहा है एंड हालांकि इसमें NVIDIA का 650 Ti का GPU है जो उस गेम के लिए तो बहुत बड़ा है, तो कन्वीनियंटली चल जाएगी। बस यस, मैंने GTA 5G डाउनलोड करने की कोशिश की थी, 60 GB की थी, बट वो रशियन लैंग्वेज होगी जो मुझे समझ नहीं आई तो मैं चला नहीं पाया उसे। बट कोई बात नहीं, गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट हम बाद में अगेन दे देंगे। बट यस, जहाँ तक मुझे पता है गेमर्स के लिए तो ये लैपटॉप है ही है। गेमिंग में भी 3 कैटेगरीज होती है, एक एंट्री लेवल, मिड लेवल एंड शायद हाई एंड, मैं शायद अगर गलत बोल रहा हूँ तो एक चार्ट लगा दूंगा, बट 3 लेवल होते हैं और ये मिड लेवल वाला लैपटॉप जो ये आता है। सो यस, काफ़ी सही है। एंड नीचे की तरफ अगेन ये लिनोवो लीजन के सीरियल नंबर है जो कि मैं ब्लर कर रहा हूँ, बट आपके पास भी अगर लैपटॉप आता है तो उस पार्ट को लेमिनेट करवा लो क्योंकि वारंटी में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। एंड क्योंकि अगर वो मिट गया तो वारंटी लेने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो आप इस बेटर कि आप उसको लेमिनेट कर लो उस पार्ट को, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, जैसे मैंने किया है। एंड मैं अगर साइड की तरफ बात करूँ तो साइड की तरफ देख सकते हैं छोटे छोटे दो वेंट्स दिए गए हैं एंड ये जो दोनों वेंट्स हैं ये दोनों स्पीकर के वेंट्स हैं। हार्मन कार्डन की जो इसमें स्पीकर जो है लगाए गए हैं 2 वॉट के स्पीकर हैं, मतलब 2x2 2 वॉट्स के स्पीकर हैं। एंड अगर मैं आपको इसमें साउंड सुनाऊँ तो आप सुन सकते हैं कुछ ये। तो यस, साउंड एक्चुअली काफ़ी ज़बरदस्त लगी। मैं पहले तो सच कहूँ तो
मेरे पास जो लैपटॉप था सैमसंग का लैपटॉप था, उसके बाद मैंने एचपी का लैपटॉप लिया था, तो उसमें साउंड को ज़्यादा खास नहीं थी। अब मैंने उस तरह के लैपटॉप्स यूज़ किए हैं तो मुझे इसकी साउंड काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी, बट इट्स एक्चुअली वेरीज पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कई लोगों को स्पीकर्स की आदत है वो बड़े बड़े, तो अगर वो उसके हिसाब से कॉन्शियस में बैठा होता है उनको, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, हर रिव्यूअर टू रिव्यूअर वेरी कर सकता है साउंड के लिए, बट पर्सनली साउंड काफ़ी अच्छी लगी। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है, ऐसा बीट्स वगैरह कुछ नहीं है, प्लेन स्पीकर है, फ्लैट स्पीकर है, एंड ये नीचे की तरफ वेंट्स हैं। अगर आप इसे नॉर्मल टेबल पे रखोगे तो ये काफ़ी सही से इसमें साउंड जो एग्जेचरेट होती है, मतलब आती है आवाज़ हमें, एंड अगर आप वहीं बेड वगैरह पे रख दोगे तो काफ़ी दिक्कत आती है। एंड सेकेंडली, मैं आप कभी भी किसी को भी बंदे को लैपटॉप को बेड पे रख के चलाने का रिकमेंड करूँगा ही नहीं। कोई भी एटलीस्ट कार्डबोर्ड या वो कुछ भी रख लो, बट कुछ ना कुछ रखो, बेड पे कभी मत चलाओ, क्योंकि यार काफ़ी सीपीयू में ना हीट वगैरह का यूसेज का फ़र्क पड़ता है। मुझे पता है, मैंने अपने सैमसंग ऐसे 3 बार जो मदरबोर्ड उड़ाया है, तो यस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप डूइंग योर ओवरचार्ज बैटरी। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कभी मत करो। अब इसके जो 2x2 हार्मन कार्डन स्पीकर हैं, ये डॉल्बी एटमोस से पावर्ड है, क्योंकि काफ़ी सही साउंड जो वो दे देते हैं। आपने एक्चुअली में थोड़ा अंदाज़ा तो लगा लिया होगा वो सैम्पल सुन के। तो अब बात कर लेते हैं इसकी बॉडी के बारे में, बॉडी इसकी किस तरह की ऑल ओवर, एंड स्क्रीन के ऊपर जो फ्रंट जो हमें दिखता है वो काफ़ी मैट फिनिश में है, एंड आई थिंक इसमें स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, बट स्टिल संभाल के रखो तो नहीं भी पड़ते हैं, बट हाँ स्क्रैचेस इसके ऊपर चीज़ें रखोगे तो पड़ जाएंगे स्क्रैचेस, मैट फिनिश है बट फिर भी। एंड अंदर की तरफ बात करूँ तो सेम ही वो मैट फिनिश वाला ही यूज़ किया गया, काफ़ी अच्छी सी स्टर्डी सी फील आती है, जो कि पर्सनली अगर मैं पाम वगैरह रखूँ तो फिसलता नहीं है, कभी कभी तो लगता है ऐसा कुछ रबर टाइप सा है। काफ़ी सही मटेरियल है, मतलब अच्छा मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है, मैं नहीं कह सकता कि चीप मटेरियल, काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया ऑल ओवर द साइड की बॉडी में। एंड कीज़ भी जो है इनकी मैट फिनिश वाली हैं, एंड ओवर द टाइम आप सबको पता ही घिस जाती हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कोई अच्छा सा कीबोर्ड प्रोटेक्टर ले लो। मैंने आपको ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया है, तो ऐसा ही कुछ मंगवाना, वो जो सिलिकॉन वाले होते हैं ना बड़े से पैड सिंपल, वो मत मंगवाना, स्क्रीन पर निशान पड़ जाएंगे, मैं भुग चुका हूँ, वो चीज़ें मत मंगवाना। एंड वही मैं माउस पैड की ट्रैक पैड की बात करूँ तो ये काफ़ी बड़ा सा इसमें साइज़ है माउस पैड का, एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिव है ये, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके जेस्चर्स फीचर्स भी लिनोवो के मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एंड नीचे की तरफ बात करूँ तो नीचे की तरफ भी काफ़ी सही से, मतलब मैट फिनिश वाली एब्रेशन टाइप सी बॉडी है। ऑल ओवर द बॉडी को अगर मैं रेटिंग दूँ तो 5 में से इसको 5 रेटिंग ही मिलती है। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन की, ठीक है। स्क्रीन इसमें 15.5 इंच का इसमें स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज़ का इसमें डिस्प्ले है, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी सही लगा। हालांकि उस लेवल के भी गेमिंग वगैरह मैंने शुरू नहीं किया, बट स्टिल अब मेरे पास iPad 120 हर्ट्ज़, मेरे पास OnePlus 8 Pro 120 हर्ट्ज़, मेरे पास लैपटॉप भी है 120 हर्ट्ज़, तो अब मैं जनरली किसी और डिवाइस पे शिफ्ट करूँगा जिसकी 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले होगी, तो मुझे नहीं पता मैं क्या फील करूँगा। मैं अभी फील करता भी हूँ, नो डाउट, मैं OnePlus 60 यूज़ करता हूँ ना 60 हर्ट्ज़ का, तो मुझे लगता है काफ़ी स्लो चल रहा है अब, कभी कभी जब बीच में इसे यूज़ करना शुरू कर देता हूँ, बट स्टिल उस बात को हम साइड में रखते हैं। एंड इसमें ना एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, अगर आपके कमरे में लाइट्स वगैरह लगी हैं जो डायरेक्ट ऐसे पड़ रही हैं तो ये वो डिस्पर्स हो जाएंगी, ऐसे ज़्यादा पता नहीं चलेगा दूर अगर लाइट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी, बड़ी मेस्मराइजिंग सी फील आती है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी से। आप ये क्लिप एक छोटा सा देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एंड अब आ जाते हैं कीबोर्ड के, कीबोर्ड पे मुझे एक फीचर जो मुझे काफ़ी सही लगा, जो कि है फंक्शन लॉक वाला। ये मुझे पर्सनली काफ़ी, मैंने काफ़ी लैपटॉप्स में इसे यूज़ किया है, एंड ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, मतलब जिसका जैसा यूसेज होता है, किसी को एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा यूसेज करना है तो यस
मैं फंक्शन लॉक कर दूंगा एंड जो भी ये प्लस माइनस ये सारे जो बटन है, वॉल्यूम अप डाउन, ब्राइटनेस अप डाउन, ये सभी चीज़ें जो भी फंक्शन पे हैं वो बिना फंक्शन की दवाई मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, फंक्शन लॉक हो चुका है। एंड जैसे ही मैं फंक्शन लॉक को हटा देता हूँ, सो यस F1, F2, F8 ये सभी चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं ऑटो गाइड वगैरह भी यूज़ करता हूँ तो उसमें F8, F7, F9 चीज़ें काम आती हैं। सो यस, जैसे जैसे आपका मतलब यूसेज है, मतलब मैं कभी मूवीज़ देख रहा हूँ या एडिट कर रहा हूँ तब मुझे वो फंक्शन लॉक वाला की अच्छा लगता है, मतलब काम आता है। एंड जब मुझे ऑटो गाइड या प्रोफेशनल वर्क्स करने हैं तब यस मुझे फंक्शन लॉक को अनलॉक करके जो नॉर्मल F1, F8 है, जो भी मतलब F सीरीज़ के बटन हैं वो यूज़ करना ठीक लगता है। सो ये कन्वीनियंट लगा मुझे काफ़ी। एंड साइड में इसमें न्यूमेरिकल पैड भी दे रखा है, मेरा पुराना जो लैपटॉप था उसमें न्यूमेरिकल पैड नहीं था एंड मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। कई लोगों को न्यूमेरिकल पैड नहीं पसंद होता बट मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगता है, मुझे कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है तो यस ईजी रहता है ये सब चीज़ें। एंड बटन्स की साउंड की मैं बात करूँ तो यस काफ़ी कम जो है इसमें साउंड है, अगर आप मतलब नॉर्मली अकेले बैठे हो या कोई साथ में भी अगर रूम में सन्नाटा भी है तो भी ज़्यादा की इसका पता नहीं चलता है, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव बंदे हो, टक 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 करके चला रहे हो, तो एक इंसान की तरह अगर पोलाइटली चलाओगे तो काफ़ी कम नॉइज़ है इसमें। मैं एक नॉर्मल सर्टेन डिस्टेंस से कैमरा रख देता हूँ एंड आपको मैं बता दूँ कि इतनी दूर तक आपको किस तरह की आवाज़ आती है। एंड एक बिल्कुल माइक सटा दूंगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरह की साउंड आपको आएगी, तो वो दो शॉट आप आगे देख लोगे। तो यार अब मैं बात कर लेता हूँ पोर्ट्स की। अब काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर आप सामने से बैठे हो तो वो पोर्ट्स जो पीछे हैं उनको ऑपरेट करना या मतलब ऐसे हमें हर बार झुक कर आगे जाना पड़ता होगा कि देखने के लिए कि कहाँ पे कौन सा पोर्ट लगाना है। सो यस इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी सही किया हुआ है, जैसे आप देखते हैं डिस्प्ले में जैसे ही मतलब थोड़ा सा बेंड करता हूँ सो सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर एक बनी हुई हैं आपकी तरफ को, सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं आप देख सकते हैं। सो आपको पता चलेगा कि हाँ जहाँ ये लिखा है उसी के साइड पे वो पोर्ट जो लगेगा, सो काफ़ी इजीली आप लगा दोगे। एक दो बार आपको लगेगा कि हाँ इधर उधर लग रहा है 1 mm इधर उधर, बट आप यूज़ टू हो जाते हो उस चीज़ के लिए कुछ दिनों के बाद, जैसे कि मैं हो गया था, मुझे पता चल गया कि हाँ ये यहाँ पर है, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली उस चीज़ में चला जाता था। सो ये भी काफ़ी सही इंडिकेशन इन्होंने मुझे लगा इसमें काफ़ी अच्छा। मेरे को ये लग रहा था कि फ्लॉ है ये, यार मैं कैसे मैं बार बार मुझे उठना पड़ेगा वो बार बार लगाने के लिए, बट नहीं ऐसे तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, बट से अगर लगता है आपको तो ये काफ़ी सही कन्वीनियंस दे रखी है इन्होंने। तो ऑल ओवर लैपटॉप की बॉडी की तो हमने बात कर ली है, एक रह गया है वो है इसका स्टिकर्स। स्टिकर प्लेसमेंट मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगती है एंड इन्होंने काफ़ी अलाइनमेंट के साथ स्टिकर प्लेस किया, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी चिप 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 चिपका दिया और काम ख़त्म किया, नहीं काफ़ी सही स्टिकर प्लेसमेंट है, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट कर रखी है। एंड ऊपर छोटा सा ऑडियो बाय हरमन कार्डन का जो इन्होंने एक छोटा सा ब्रांडिंग भी कर रखा है जो कि पर्सनली काफ़ी कूल लगता है, आप शो ऑफ कर सकते हैं कि यस हरमन गार्डन के स्पीकर्स हैं इसमें। एंड जिसको हरमन गार्डन का पता है उनको पता है कि क्या होते हैं, वो काफ़ी क्वालिटी जनरेटेड स्पीकर्स हैं। ठीक है, तो अभी ये सब बातें कर ली अपनी बॉडीज़ वगैरह की, जो भी इसका क्या क्या लुक है एंड ऑल ये, एंड अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एक्चुअल में है क्या। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया था बट स्टिल मैं बता देता हूँ, इसमें i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, 256 GB का SSD है जो कि PCIe SSD है, इसमें काफ़ी फास्ट SSD है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है इसमें एंड वो 5200 रोटेशन RPM वाली हार्ड ड्राइव है, जो सबसे हाईएस्ट वाली होती है वो होती है 7200 वाली, बट यस कोई बात नहीं स्टोरेज के लिए ही है, बट प्रोसेसिंग के लिए जो मेन जो सी ड्राइव है जहाँ पर सारा आपका ऑन ऑफ होता है लैपटॉप, जिसकी रीज़न से वो SSD 256 GB काफ़ी सही लैपटॉप जो ऑन हो जाता है, आप देख सकते हैं हार्डली 10-15 सेकेंड में ऑन हो जाता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब इतना फास्ट ऑन होता है तो अपना मोबाइल भी स्लो लगने लग जाता है ऐसी चीज़ों के आगे। एंड इसमें 8 GB का DDR4 रैम है जो कि 2933 MHz पे चलता है एंड इसमें जो कंपनी ने लिखा है वो कहते हैं कि 16 GB तक एक्सपेंडेबल है। एंड इसमें जो रैम के पोर्ट्स हैं वो ड्यूअल हैं जो कि काफ़ी सही रहता है, अगर आप 8-8 GB के दो डाल दोगे सो इस थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस में फ़र्क जो मिलता है, जो टेक्निकल बंदे हैं उन लोगों को पता है क्यों। एंड जब मैंने कस्टमर केयर कॉल किया था तो दे सेड कि
24 GB तक एक्सपेंडेबल है, मतलब जो 8 GB का जो प्राइमरी है उसको नहीं छेड़ना है। अब 16 GB का जो दूसरा है स्लॉट, उसमें 16 GB का एक्सटर्नल और अलग से डाल सकते हो, ऐसा ही कंपनी वाले कहते हैं। एंड काफ़ी यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि 32 GB तक ये रैम सपोर्ट करता है। एंड अगर मैं कंपनी की मानूँ तो यस, कंपनी के अगर बाहर जाओगे तो हमारी जो वारंटी अवॉइड हो जाएगी ना। सो यस, 24 GB तक इसका रैम जो एक्सपेंडेबल है एज पर द कस्टमर केयर। एंड इनके कागजों के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ 16 GB का ही रैम जो एक्सपेंडेबल है। एंड इसमें ग्राफिक कार्ड जो है 4 GB का, जो कि एनवीडिया GeForce GTX 1650 Ti। अब Ti और एक 1650 आता है और एक 1650 Ti होता है। Ti होता है टाइटेनियम, और जो 1650 है ओनली, वो ओनली होता है स्टार्टिंग लेवल्स के लिए। एंड ये है मिड लेवल का। तो 2,000 या 3,000 रुपये का फ़र्क था लैपटॉप में सिर्फ उस चीज़ की वजह से। सो इसलिए आई चूज Ti टाइटेनियम 1। इसमें 4 GB का जो है इंटरनल ग्राफिक कार्ड भी है, जो कि शेयर्ड मेमोरी है, और आप सबको पता है कि वो रैम से जो उठाया जाता है। एंड इसमें वाईफाई का 2x2 का वो PCIe पोर्ट जो लगा रखा है, 802x11 होता है समथिंग, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, जो कि बस मुझे इतना पता है कि इसका वाईफाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है चलता है। एंड इसमें ब्लूटूथ 5.0 है, जो कि ऑडियो डिवाइसेस वगैरह सबको सपोर्ट करता है। 170 वॉट का चार्जर है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी बैकअप की। बैटरी बैकअप जो कंपनी क्लेम करती है वो है 6.8 आवर्स। ठीक है, जब मैं एडिटिंग करता हूँ तो एडिटिंग करते हुए इसका सिर्फ 2 घंटे तक का ही बैटरी बैकअप जो ये देता है। एंड दो, अब उस पर भी क्या है कि मैं पूरी ब्राइटनेस ऑन करके रखता हूँ, जो उनका 6.8 आवर का बैटरी बैकअप वो बताते हैं। लो ब्राइटनेस एंड लैपटॉप अगर ऐसे ही पड़ा रहे, अगर आप ऑफिस के काम कर रहे हो, उनकी वजह से ही सिर्फ आपका ये थोड़ा सा मतलब 6.8 तक चल जाता है। बट ये कंपनी जो टेस्ट करती है, बट हम जो टेस्ट कर रहे हैं मतलब हमारा जो नॉर्मल यूसेज है, तो अगर आप हाई ब्राइटनेस यूज़ करोगे तो आपको उसी की आदत लगेगी। ऑफिस के काम करते हो तो आपको 4 से 4.5 घंटे का बैकअप जो मिलता है, जस्ट लाइक मतलब ऑफिशियल PPT वर्क, ये सब चीज़ें वर्क अगर करते हो। सो इस बैटरी बैकअप में अगर आप परफॉर्मेंस वर्क कर रहे हो तो 2 घंटे गेमिंग या एडिटिंग, एंड अगर आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हो तो 4 घंटे आपको ये दे जाएगा। सो आई थिंक इट्स ए ग्रेट इनफ, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था, गेमिंग परफॉर्मेंस लैपटॉप्स में यही होता है। एंड इसमें लिनोवो वालों ने एक लिनोवो वॉन्टेज नाम का एक सॉफ्टवेयर दे रखा है डेडिकेटेड, इसमें हॉटकी भी डाल रखी है उसकी। एंड उसके द्वारा आपको पता चलता रहता है कि कितना GPU, कितना CPU, कितना रैम, हार्ड डिस्क, SSD, ये सभी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एंड वहीं पर जाके आप नेटवर्क बूस्ट इनका, या चार्जिंग बूस्ट, या ऐसी कुछ भी चीज़ें ऑन कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा है वो भी, रैपिड चार्ज मतलब, या वाईफाई सिक्योरिटी, ये सही चीज़ें ऑन कर सकते हो। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो ये किस तरह वो चीज़ें आ रही हैं। एंड इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपके लैपटॉप की वारंटी कितनी है। जब आप ये लैपटॉप लोगे तो आपको एक्चुअल में एहसास हो जाएगा, जब आप चलाओगे ना, आप खुद ही पहली बार जो ये लैपटॉप लेगा वो खुद ही इतना टेक्निकल होगा कि उसको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ मुझे क्या क्या करना है। सो काफ़ी ईजी टू यूज़ है ये। एंड जो लैपटॉप का वेट है वो है 2.377। आई डोंट नो इन्होंने पेपर्स में 2.3 क्यों लिखा है, एटलीस्ट उसको 2.4 लिखना चाहिए था। सो इस ऑल ओवर द लैपटॉप की अगर मैं बात करूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इसकी परफॉर्मेंस से। इसकी एडिटिंग में अभी तक मुझे ऐसा कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, गेमिंग के दौरान ऐसा कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। इट्स बीन लाइक 20 डेज आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप। 20 दिन में जो मेरे को परफॉर्मेंस मिली है या कुछ भी है, वो मुझे इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। अब काफ़ी लोग ये मतलब कि 20 दिन में क्या पता चलेगा, बट भाई 20 दिन भी मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मैं डिटेलिंग में थोड़ा सा रिव्यू बनाना चाहता था, मुझे पता तो चले कि है क्या क्या इसमें। अब मैं डब्बा खोल के सीधा रिव्यू करना शुरू कर दूँ क्या बताऊँगा आप लोगों को। तो 20 दिन का जो थोड़ा बहुत यूसेज था